यस, थैंक यू जनाब स्पीकर, थैंक यू जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, प्राइमरली जो लेटर गया है जज साहिबान की तरफ से, उसमें दो किस्म के पॉइंट्स हैं। एक तो जज साहिबान ने अपने मुताबिक वो उन इश्यूज़ को पॉइंट आउट किया जिसके थ्रू वो और उनकी फैमिली जा चुकी है, और उसमें जो जिक्र हुआ है वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कहा है कि अदलिया के काम में एक स्पेशली जो डेमोक्रेटिकली कंसिक्वेंशियल केसेस थे, पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस है, उसमें इंटरफेरेंस हुई है। बट उन्होंने जो पॉइंट आउट किया वो ये कि आज भी अदलिया में इंटरफेरेंस हो रही है, इसलिए ये इस पार्लियामेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये आईन ही प्रोवाइड करता है, ये एक तीसरा आर्गन है स्टेट का, और इसके इंटरफेरेंस करना आईन की खिलाफ वर्जी है, इसलिए इस पर बहस हर सूरत होनी चाहिए ताकि ऐसे इकदाम किए जाए जिसमें इंटरफेरेंस फ्यूचर के लिए उन पर बंद हो। तो लाजिम है जनाब स्पीकर, ताकि दोनों ईवान के ईवान में दोनों तरफ से अपने अपने इजहार करें और ये ईवान रेजोल्यूशन पास करें कि किसी सूरत में भी किसी भी दौर में अदलिया में जो इंटरफेरेंस है ये नामंजूर है, और किसी सूरत इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी।